हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बता रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का जो पार्ट 3 का जो पेंडिंग रिजल्ट था उसके बारे में बड़ी अपडेट न्यूज निकल गया, नोटिफिकेशन निकल गया। फ्रेंड्स, मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ से मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलिए आप देख लीजिए, आपको वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल पर नया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए। फ्रेंड्स, चलिए आपको चलते हैं और न्यूज पढ़ के बताते हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी का आवेदन कॉलेज में करें, यानी आपको गड़बड़ी है तो आवेदन कॉलेज में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, पटना मगध विश्वविद्यालय के स्तर पार्ट 3 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन इसमें कई विद्यार्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन के विद्यार्थियों से गड़बड़ी की शिकायत संबंधित कॉलेजों में करने का निर्देश दिया है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी कॉलेजों के प्राचार्य को निर्देश दिया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम में रिजल्ट की गड़बड़ी के आवेदन छात्रों से लेने के बाद 20 जनवरी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए, यानी 20 तारीख तक आपको विश्वविद्यालय में जमा करा देना। फ्रेंड्स, आवेदन लिखकर कि मेरा रिजल्ट गड़बड़ी है। फ्रेंड्स, उसमें आपको उसमें और जो उपलब्ध करा दिया जाए, आवेदन को विश्वविद्यालय मुख्यतः नहीं भेजा जाए और संबंधित कॉलेज में ही जमा हो, यानी आपको बड़े कॉलेज में जमा करा देना। फ्रेंड्स, उसमें आपको जमा कराने में क्या क्या कागज लगेगा इसी मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, आती फर्स्ट पार्ट का मार्कशीट, सेकेंड पार्ट का मार्कशीट और थर्ड पार्ट का एडमिट कार्ड लगेगा। फ्रेंड्स, और एक अप्लीकेशन लिख कर आपको देना। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस एप्लीकेशन पर मैं वीडियो बना दूँगा। फ्रेंड्स, थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।